यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल क्योंकि जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। देखिए फ्रेंड्स, जो मेहनत का फल है और समस्या का हल है, ये मिलता भले ही देर से है लेकिन मिलता जरूर है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आप सभी लोगों के लिए, जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर फाइनल ईयर से हो, मतलब कहीं ना कहीं अगर फ्रेंड्स आप लोग अगर अंतिम वर्ष के छात्र हो, डिप्लोमा इंजीनियरिंग मतलब पॉलिटेक्निक में अगर आप लोग अंतिम वर्ष के छात्र हो, तो फ्रेंड्स जो ये वीडियो है फ्रेंड्स आप सभी लोगों के लिए, मतलब आप लोग अगर किसी भी ब्रांच से हो फ्रेंड्स, तो आप सभी लोगों के लिए जो ये वीडियो फ्रेंड्स ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इसे फ्रेंड्स आप लोग करना कुछ नहीं है, आप सभी लोग वीडियो को अंत तक देखिए। इसे फ्रेंड्स आप सभी लोगों के लिए एक यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर पॉलिटेक्निक वाले लड़के होते हैं, मतलब बॉयज होते हैं, फिर गर्ल्स होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं सभी की इच्छा होती है, आप सभी लोग अपना स्टडी कर चुके हैं, उसके बाद किसी एक अच्छी कंपनी में आप लोग आपका सिलेक्शन हो सके। देखिए फ्रेंड्स, ये तो बहुत अच्छी बात रहती है कि अगर आपके कॉलेज में कंपनी वगैरह अगर आ जाती है, मतलब प्लेसमेंट वगैरह अगर हो जाता है, तो अगर फ्रेंड्स नहीं आती है तो उसके बावजूद फ्रेंड्स यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए हमारे कॉलेज में, मतलब कहीं ना कहीं हमारे नियरेस्ट कॉलेज में, जैसे हमारे राज्य के पॉलिटेक्निक कॉलेज में यहाँ पर एक कंपनी, यहाँ पर तीन कंपनियाँ फ्रेंड्स आ रही हैं, इसमें फ्रेंड्स किस किस ब्रांच के स्टूडेंट फ्रेंड्स आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स सारी चीज़ें आपको एक एक करके मैं यहाँ पर क्रमबद्ध तरीके से फ्रेंड बता दूंगा। फ्रेंड जैसा कि आप सभी लोगों से थंबनेल पर देखा होगा फ्रेंड्स, आपको पता ही चल गया होगा कि इसे देखिए कौन कौन सी कंपनियाँ पर आ रही हैं। तो फ्रेंड जैसे कि आप सभी लोगों को पर पता ही है, तो उसी तरीके से चलिए हम बिना देरी किए एक एक करके सारी चीज़ें डिटेल वगैरह, कौन कौन सा ब्रांच इसमें एलिजिबल है, कैसे क्या होगा, क्या क्या आपका ये सारी चीज़ें, तो आप लोग इसमें एलिजिबल क्या हो सकता है, चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर सारी चीज़ें एक एक करके अपने आप सभी लोगों से फ्रेंड्स, जैसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग फ्रेंड्स हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स आपको करना कुछ नहीं, चैनल को फ्रेंड सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे फ्रेंड्स ये होगा कि जो आने वाले वीडियोज़ का ऐसे नोटिफिकेशन होगा फ्रेंड्स आप सभी लोगों के पास सबसे पहले मिलता रहेगा। चलिए फ्रेंड्स बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले सर बात कर लेते हैं कि इसे जो यहाँ पर कंपनी आ रही है, वो इसे कंपनियों की संख्या कितनी है। तो फ्रेंड्स आप सभी लोगों को मैं बता सकता हूँ कि जो यहाँ पर कंपनी आ रही है, फ्रेंड्स कंपनियों की संख्या 3 है। और फ्रेंड्स किस कॉलेज में यहाँ पर ये कंपनियाँ आ रही हैं, तो फ्रेंड्स आप सभी लोगों को मैं बता दूँ कि जो राजकीय पॉलिटेक्निक गोंडा है, जो कि उत्तर प्रदेश के एक जिला है जो गोंडा जाता है, वहीं पर राजकीय पॉलिटेक्निक गोंडा। इस चीज़ से फ्रेंड्स आप सभी लोगों को नहीं पता फ्रेंड, तो मैं यहाँ पर बता दूँ कि जो स्टेशन उससे नियर अबाउट 3 किलोमीटर, और जो यहाँ पर बस स्टेशन है उससे नियर अबाउट 6 से 7 किलोमीटर यहाँ पर दूरी पर यह पॉलिटेक्निक स्थित है। तो दोस्तों आप सभी लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको एक एक करके क्रमबद्ध तरीके से सारी चीज़ें समझ लेना है। और फ्रेंड्स ये कंपनियाँ किस डेट को प्रतिभा कर रही हैं, तो फ्रेंड्स ये जो कंपनियाँ हैं वो इसे 30 को, मतलब कहीं ना कहीं 30 मई को ये कंपनियाँ राजकीय पॉलिटेक्निक गोंडा में आ रही हैं। फ्रेंड इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, किस किस ईयर के बच्चे यहाँ पर पास आउट हो, प्रिपेयरिंग हो, तो उसमें एलिजिबल हो, किस किस ब्रांच के फ्रेंड, चलिए एक एक करके यहाँ पर डिस्कस करते हैं। आप सभी लोगों को फ्रेंड सहूलियत के लिए मैं यहाँ साइड में से एक जैसे यहाँ पर दूसरा जो क्लिप है वो यहाँ पर से लगा दे रहा हूँ। चलिए फ्रेंड्स मैं यहाँ पर आपको एक एक करके सारी चीज़ यहाँ पर बता रहा हूँ। फ्रेंड्स आप सभी लोग यहाँ पर ऊपर देखिए, उसी चीज़ को यहाँ पर सूचना वगैरह करके जो यहाँ पर कॉलेज से एक नोटिस जारी किया गया है, जो कि यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर TPO ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफिसर था, मतलब सोबराज सर, उनके द्वारा जहाँ पर नोटिस निकाला गया है, उसी के बारे में यहाँ पर हम थोड़ा बहुत डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स आप सभी लोग यहाँ पर ऊपर तो देख पा रहे हैं, यहाँ भी आप लोग इसे देख सकते हो, यही नोटिफिकेशन है। फ्रेंड इसमें यहाँ पर बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गोंडा जो यहाँ पर ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल है, उसी के द्वारा ये नोटिस निकाली गई है। फ्रेंड इसमें यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो 30/5/2022 मतलब कहीं ना कहीं रहा है। देखिए फ्रेंड्स आप सभी लोग को मैं यहाँ पर बता दूँ कि जो ये आयोजन होने जा रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पर सत्य एम्प्लॉयबिलिटी कंसल्टेंसी सर्विस, मतलब कहीं ना कहीं एक कंसल्टेंसी बेस्ड कोई यहाँ पर जिसे एक संस्था है जो यहाँ पर कंपनी लेकर आ रही है, फ्रेंड उसी के द्वारा पर ओपन कैंपस, मतलब कहीं ना कहीं पूल कैंपस प्लेसमेंट का आयोजन कराया जा रहा है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर मन में एक विचार आता है कि सर पूल कैंपस प्लेसमेंट क्या है। आप सभी लोगों के सहूलियत के फ्रेंड्स मैं यहाँ पर बता दूँ कि देखिए जो पूल कैंपस प्लेसमेंट हुआ, इसका मतलब कि ये कोई से बात नहीं है कि केवल राजकीय पॉलिटेक्निक गोंडा के स्टूडेंट इसमें बैठ सकते हैं। उसके बावजूद फ्रेंड्स यहाँ पर अगर बहराइच हुआ, फिर मानी लखनऊ हुआ, कानपुर हुआ, बांदा हुआ, मतलब कहीं ना कहीं किसी भी ज़िले से बच्चे जो यहाँ पर जे जो यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है, अगर उनके पास वो आर डिग्री है, तो वो लोग यहाँ पर इस जो यहाँ पर प्लेसमेंट सेल होने जा रहा है, इसमें फ्रेंड्स वो लोग यहाँ पर बैठ सकते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो निम्नलिखित कंपनियाँ जिनमें साक्षात्कार होगा, मतलब कहने के इंटरव्यू लिया जाएगा, उसकी सारी डिटेल हम यहाँ पर एक एक करके यहाँ पर पढ़ते हैं। आप लोग यहाँ स्क्रीन पर देख ही पा रहे हो, यहाँ भी आप लोग देख लीजिए। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर एक एक करके यहाँ पर पढ़ रहे हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स जो यहाँ पर कंपनी का नाम है वो है ग्लोबल ऑटोटेक लिमिटेड ग्रेटर नोएडा, मतलब कहीं ना कहीं जो अपना लोकेशन रहने वाला है वो यहाँ पर कंपनी का लोकेशन है ग्रेटर नोएडा। कंपनी का नेम फ्रेंड्स बात की जाए तो ग्लोबल ऑटोटेक लिमिटेड फ्रेंड्स ये कंपनी का नाम है। फ्रेंड्स इसमें बात की जाए कि कौन कौन से ब्रांच वाले इसमें प्रतिभा कर सकते हैं, मतलब पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इंटरव्यू दे सकते हैं, तो फिर जो अपना मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्पेशलाइज, मतलब कहने की अगर आप लोग प्रोडक्शन है, अगर आपका स्पेशलाइज ब्रांच प्रोडक्शन है, ऑटोमोबाइल हो, RAC हो, CAD हो, फ्रेंड्स अगर आपका मान लीजिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किसी भी अगर मान लीजिए आपका स्पेशलाइज ब्रांच हो, तो आप लोग यहाँ पर आ सकते हो। आपका स्पेशलाइज ब्रांच मैकेनिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए।
अपन बात की जाए कि जो आपका सैलरी वगैरह रहने वाला है इस कंपनी में कितना रहेगा, तो फ्रेंड्स आपका 11,000 इन हैंड सैलरी आपका रहेगा पर मंथ। और फिर बात की जाए कि जो जॉब प्रोफाइल है फ्रेंड्स वो आप कैसे प्रोफाइल है, तो ये नहीं है पी एस ट्रेनिंग, मतलब कहीं ना कहीं आपको एक अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग मतलब कहीं यहाँ पर रखा जाएगा, ये नहीं पी एस ट्रेनिंग आप समझ सकते हो। इसके बाद फ्रेंड्स जो यहाँ पर सेकंड कंपनी है वो कौन सी है, तो फ्रेंड्स आपको बता दूँ कि बजाज मोटर्स लिमिटेड गुड़गांव, मतलब कहीं ना कहीं से ये गुड़गांव आप लोग जानते ही होंगे जो कि फ्रेंड्स कहीं ना कहीं ग्रेटर नोएडा साइड में ही पड़ता है, तो वहाँ की जो फ्रेंड्स बजाज मोटर्स है मतलब बजाज मोटर्स लिमिटेड उसी कंपनी को यहाँ पर फ्रेंड्स वो भी यहाँ पर आ रही है। और फ्रेंड्स बात की जाए कि ये किस ब्रांच के स्टूडेंट की ले रही है, तो फ्रेंड्स ये भी यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को ले रही है, मतलब अगर आपका ब्रांच मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, मान लीजिए अगर आपका स्पेशलाइज ब्रांच मैकेनिकल हो उसके बावजूद अगर आपका प्रोडक्शन हो, ऑटोमोबाइल हो, आर ए सी हो, कैड हो, कुछ भी फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पर इस कंपनी में इंटरव्यू अपना दे सकते हो। अगर बात की जाए इसके सैलरी वगैरह की, तो फ्रेंड्स इसमें आपको 12,500 मतलब कहने के 12,500 इन हैंड सैलरी आपके हाथों में यहाँ पर मिल जाएगी। इससे फिर सब हम बात किया जॉब प्रोफाइल क्या रहने वाली है, तो फ्रेंड्स इसका भी यानी पी एस ट्रेनिंग यहाँ पर पोस्ट रहने वाला है। अब फ्रेंड्स इसके बाद जो आपका थर्ड नंबर कंपनी आती है वहाँ पर है फ्रेंड्स इंडिया जापान लाइट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड हरियाणा। देखिए फ्रेंड्स जो आप इंडिया जापान लाइट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है फ्रेंड्स ये भी काफ़ी अच्छी कंपनी जो कि फ्रेंड्स हरियाणा में यहाँ पर स्थित है, मतलब लोकेशन इसका जॉब लोकेशन हरियाणा है। इसमें फ्रेंड्स यहाँ पर बात की जाए कि कौन कौन से स्टूडेंट यहाँ पर एलिजिबल होंगे, तो फ्रेंड्स अगर आपका स्पेशलाइज ब्रांच मैकेनिकल इंजीनियरिंग है या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है या फिर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग है, तब फ्रेंड्स आप लोग इस ब्रांच इस जो एक कंपनी है मतलब इंडिया जापान लाइट कंपनी इसमें आप लोग यहाँ पर बैठ सकते हो, मतलब पार्टिसिपेट कर सकते हो इसके इंटरव्यू में। तो देखिए फ्रेंड्स अगर इसके बात की जाए सैलरी प्रिपरेशन की, तो फ्रेंड जो यहाँ पर तीनों कंपनियाँ आ रही हैं सबसे ज़्यादा सैलरी फ्रेंड्स इसी में, मतलब यहाँ पर 13,300 इन हैंड सैलरी आपका यहाँ पर रहने वाला है। फिर बात की जाए कि जो यहाँ पर जॉब प्रोफाइल मतलब आपका पोस्ट यहाँ पर कौन सा रहने वाला है, तो फ्रेंड्स आपका ये नहीं है पी एस ट्रेनिंग यहाँ पर पोस्ट रहने वाला है। इसके बाद फ्रेंड्स अब मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ कि सभी छात्रों को यहाँ पर क्या क्या लेकर जाना है वहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए, और इसमें कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल हैं, मतलब ये किस किस ईयर के पास आउट स्टूडेंट यहाँ पर एलिजिबल रहने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर आ रहे हो, मतलब अगर आप लोग इंटरव्यू देने के लिए अगर यहाँ आ रहे हो फ्रेंड्स, तो आपका अपना जो यहाँ पर रिज्यूम है वो यहाँ लेकर आना है। अगर आपको रिज्यूम के बारे में नहीं पता तो आप लोग करना कुछ नहीं, यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, आपको एक जेन्युइन तरीके से रिज्यूम एक अच्छा बनाने का तरीका यहाँ पर बता दिया जाएगा, जिसके थ्रू आप लोग अपना एक अच्छा रिज्यूम बना सकते हो। इसके बाद फ्रेंड्स जो आप लोग पासिंग ईयर मतलब किस किस ईयर के स्टूडेंट अगर एलिजिबल रहने वाले हैं, तो अगर फ्रेंड्स आप लोग 2020 के पास आउट हो, 2019 के पास आउट हो, 21 के पास आउट हो, या फिर फ्रेंड्स अगर आप लोग 2022 में पास आउट होने वाले हो, मतलब कहना कि अगर आप लोग अपेयरिंग हो तब भी आप लोग इस जो यहाँ पर जो कंपनियाँ आ रही हैं इसमें आप लोग इंटरव्यू के लिए बैठ सकते हो, मतलब कहना कि अपना इंटरव्यू दे सकते हो। देखिए फ्रेंड्स जो ये कैंपस प्लेसमेंट सेल है इसमें फ्रेंड्स कोई यहाँ पर रजिस्ट्रेशन शुल्क वगैरह नहीं लिया जाए, मतलब कहीं ना कहीं इसमें जो अगर आप लोग का इंटरव्यू के लिए देखा जाए तो फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब फ्री में आप लोग इंटरव्यू दे सकते हो। अगर आप लोग फ्रेंड्स ये सेलेक्ट होते हो तो आप लोग इस कंपनी में जाकर अपना जिसे अपने करियर को उसे बना सकते हो, अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हो। अब फ्रेंड टाइमिंग की बात कर जाए फ्रेंड, तो अपन जो है टाइमिंग बताया गया फ्रेंड ये सुबह 10 बजे बताया गया कि जो कंपनियाँ आएंगी और फ्रेंड सुबह 10 बजे से इंटरव्यू लेना स्टार्ट कर देंगी। उसके बाद फ्रेंड उन्हें से जितने पोस्ट वगैरह की रिक्वायरमेंट होगी वो जो जैसे हायर कर लेते हैं फ्रेंड्स वो से जा सकती हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग करना कुछ नहीं, आप लोग से कोशिश कीजिए कि जल्दी से जल्दी मतलब अब इतना जल्दी भी नहीं लेकिन नियर अबाउट आप लोग 9 या फिर 10 बजे तक से 9 बजे तक या फिर 10 बजे तक आप लोग कॉलेज में उपस्थित हो जाएँ। मान लीजिए अगर आप दूर से आने वाले हैं तो फ्रेंड्स आप लोग अपने हिसाब से थोड़ा बहुत 8 या फिर 9 बजे तक कोशिश कीजिए क्योंकि थोड़ा बहुत लेट हो ही जाता है। फ्रेंड्स आप अगर आपको मान लीजिए रास्ते में आने में अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो फ्रेंड्स आप मुझे यहाँ पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप दिया जा रहा है वहाँ से आप मुझे इसे इन्फॉर्म कर सकते हैं, मैं आपसे रुका पर सारी चीज़ें डिटेल में बता दूँगा। फिर बात की जाए कि जो यहाँ पर ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफिसर हैं फ्रेंड्स वहाँ इनका यहाँ पर सिग्नेचर वगैरह अच्छे से मेंशन किया गया, आप देख सकते हो सोवराज जो कि यहाँ पर ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गोंडा उत्तर प्रदेश के यहाँ पर प्लेसमेंट ऑफिसर हैं। अपने जो यहाँ पर देखिए जो प्रथमेश सहाय मतलब प्रिंसिपल सर हैं राजकीय पॉलिटेक्निक गोंडा के, उनका भी यहाँ पर सिग्नेचर वगैरह अच्छे से मेंशन किया है। ये फ्रेंड जो अपन नोटिफिकेशन है वो फ्रेंड 25 मई को इवेंट आउट हो चुकी थी, मुझे मिल भी चुका था लेकिन फिर काफ़ी व्यस्तता होने के कारण वीडियो नहीं अपलोड कर पाए थे। सो फ्रेंड्स अभी हम यहाँ पर रात में इसे वीडियो यहाँ पर क्रिएट हो रहा है फ्रेंड्स, इसके बाद फ्रेंड्स ये जो वीडियो है फ्रेंड्स बहुत जल्दी मैं यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि जो वीडियो फ्रेंड्स आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगा होगा। इसी तरीके के फ्रेंड्स अगर आप लोग फाइनल के स्टूडेंट हो फ्रेंड्स और अगर आप लोग प्लेसमेंट वगैरह सारी चीज़ आपको एक करके यहाँ पर क्रमबद्ध तरीके से अभी चैनल पर फ्रेंड्स एक क्रमबद्ध तरीके से आती रहेंगी, तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको करना कुछ नहीं, चैनल को फ्रेंड सब्सक्राइब करके रखिए क्योंकि फ्रेंड्स कब कौन सी इसे नोटिफिकेशन कहाँ से निकल जाए कोई कुछ पता नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स अब मिलते हैं आप सभी लोग को राजकीय पाड़ी गोंडा में, तब तक के लिए जय।